हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको इस बॉर्डर डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डंडी को बनाएंगी सिप्पी टांके से, जिसे हम डबल नोट स्टिच भी कहते हैं, और इसे मैं धागे की 6 लेयर से बना रही हूँ। इस टांके को बनाते समय एक छोटा सा टांका आड़े में लेंगे, के बाद इसके नीचे से सुई को गुजारना है और फिर धागे को आगे की तरफ रखते हुए साइड में एक टांका है उसको उठाते हुए धागे को खींचना है। इस तरह यहाँ पर ये नोट बन जाएगी। फिर से इसे इसी तरह बनाएंगे और ये लाइन पूरी करेंगे। और इसे बनाते समय धागे को हल्के हाथ से खींचना है। इस डंडी को बनाएंगे हम स्टेम स्टिच से, और इसके लिए मैंने धागे की 3 लेयर को लिया है। इसे बनाते समय टांकों की जो दूरी है वो एक बराबर रखना, ताकि बना हुआ अच्छा और फिनिशिंग से बने। और धागे को हमेशा सुई के नीचे रखना है। इस लीफ को बनाने के लिए फिशबोन स्टिच का टांके का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस जब भी आप सुई को निकालें तो आउटलाइन के ऊपर ही निकालें, ताकि बना हुआ अच्छा और फिनिशिंग से बने। और इसी तरह सारी लीफ को बना लेंगे। इस रोज फ्लावर को बनाएंगे हम बुलियन स्टिच से। यहाँ से यहाँ तक सुई को निकालेंगे और उसके बाद सुई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, और सुई के ऊपर धागे को इतना लपेटना है कि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो है वो पूरा पड़ जाए। सुई को निकालेंगे और धागों को सेट करते हुए यहाँ नीचे ले जाएंगे, और फिर इसके बाद एक टांके से इसको रोक देंगे। और इसे बनाने के लिए मैंने धागे की 6 लेयर को लिया है। ऐसे यह बन जाता है हमारा बुलियन स्टिच। इसी तरह फूल की सारी पंखुड़ियों को बना लेंगे। बुलियन स्टिच को बनाते समय सुई जो यूज़ करनी है वो थोड़ी लंबी और पतली हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएँ, ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ को देख सकें।
सुई को ऊपर निकालेंगे, उल्टे हाथ में धागे को पकड़ के सुई के ऊपर दो बार धागे को लपेटकर वहीं से वापस नीचे ले जाएंगे। ये बन जाएगा हमारा फ्रेंच नोट स्टिच। और बनाते समय धागे को हल्के हाथ से छोड़ना है। अब ये हमारा डिज़ाइन बनकर के तैयार है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।